एक वृंदावन में ही किशोरपुरा स्थित एक क्लिनिक है और ये यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज भी करते हैं। अपना शुभ नाम बताएंगे? डॉक्टर इशाक मलिक। डॉक्टर इशाक मलिक, आज जो कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया इस विषय में आप क्या बताएंगे? इसके विषय में मैं ये कहूँगा कि कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत ही अच्छा फैसला किया है, जिससे कि दोनों पक्षों के पक्ष में फैसला है, ठीक है। और इससे क्या है कि एक जो हमारी जो मिसाल है एकता की मिसाल, उससे वो गायब हो रही है कि सबको कोर्ट का आदर करना चाहिए और सब सर्व सहमति से ये फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि हमारे ये डॉक्टर इशाक मलिक जी हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्वक दिया गया है और इसमें हमारा भाईचारा भी कायम रहेगा। हम वृंदावन से ही, अपना शुभ नाम बताएंगे? असगर। जोर से बोलो। असगर। असगर जी, अच्छा आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, आप उस विषय में क्या कहें? आप इधर पे आ जाओ, आप भी मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा आप भी आ जाओ, मेरे नज़दीक आ जाओ। आप क्या कहेंगे उस विषय में? जो भी ये सरकार ने कर दिया फैसला वो हमें मंजूर नहीं। ये सरकार के द्वारा फैसला नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी जो सरकार है, हाँ, तो उसके द्वारा जो फैसला हुआ है हमें मंजूर है। यानी सही फैसला दिया है, ठीक है, जो भी कुछ। आप अपना शुभ नाम बोलेंगे? बाबू खान। बाबू खान, आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ है कि हिंदुओं की वो जमीन थी रामलला की, हिंदुओं की नहीं रामलला की, वहाँ राम मंदिर ही बनेगा और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन वहीं पास में ही अयोध्या जी के अंदर ही दी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। आपको कैसा लग रहा है इस फैसले के ऊपर में? जो कुछ हुआ वो सही हुआ है, जो क्या है। यानी ये एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा बना रहे और सब में प्रेम पूर्वक अपने कार्य को करते रहें, वही आपकी विचारधारा है? सही है। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ है उससे आप सहमत हैं? सहमत। क्या बोल? शाम का समय है और इस समय में लगभग करीब 5:30 बज रहे हैं और अयोध्या के फैसले को आए हुए लगभग करीब 7 घंटे हो चुके हैं, फिर भी पुलिस अपनी मुस्तैदी से अपने कार्य को कर रही है। यहाँ पर काफ़ी ये हमारे रमण रेती चौकी इंचार्ज भी हैं जो अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं। ये वैसे आज पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर में खूब शांति का माहौल रहा है, हिंदू और मुसलमानों ने खूब भाईचारा निभाया है इस कोर्ट के फैसले को लेकर के। पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इस फैसले को देखते हुए काफ़ी मुस्तैदी दिखाई गई है। ये अपने आरसी इनके साथ में है सुरक्षा को देखते हुए। ये हमारे रमण रेती चौकी इंचार्ज हैं जो मैं आज सुबह से ही इनको जो है मुस्तैद देख रहा हूँ। सुबह 6 बजे भी मैं आया था यहाँ पर इस एरिया को कवर करने के लिए और आज बहुत ही इन्होंने जिम्मेदारी को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए खूब इनका प्रयास भी रहा है, खूब अच्छे से इन्होंने अपनी ड्यूटी को निर्वाह भी किया है। अपनी फोर्स को भी इन्होंने जो इस चौकी के ऊपर में जितना भी स्टाफ है, और देखो बाहर से भी कुछ स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है जो आज मैं नए चेहरे देख रहा हूँ इस चौकी के ऊपर में, काफ़ी इन्होंने आज अपनी ड्यूटी को बढ़िया से निर्वाह किया है। ये वृंदावन के अंदर में बाहर से काफ़ी भक्त लोग भी दर्शनार्थियों के लिए आ रहे हैं। पहले तो ऐसा लगा था कि जैसे वृंदावन में कुछ यात्रियों के आवागमन कम हो जाएगा, परंतु हमारी सरकार इतनी मुस्तैद रही, पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना मुस्तैदी से व्यवस्था को संभाला गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी बवाल नहीं हुआ। आप कहाँ से आए सर? उड़ीसा से। उड़ीसा से, कैसा लगा है आज आपको? बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है। आज का जो फैसला दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत सराहनीय है और वो आज पूरा विश्व आनंद में भर गया कि हमारे रामलला जो टेंट में थे आज वो उनका भव्य मंदिर बनेगा और हम पूरे उत्साहित होकर आज
विदेशी भक्त लोग भी आज उत्साहित होंगे इससे कि आज हमारे राम और कृष्ण को नई एक ऊर्जा, मतलब हम लोग को एक नई ऊर्जा मिली है जिससे कि हम अपना प्रेम और आनंद उसको गदगद होकर हम कह नहीं सकते। इन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपनी व्याख्या को उजागर किया है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ ये बहुत ही सौहार्दपूर्वक फैसला था जिससे कि हमारे भारतवर्ष के जो हिंदू समाज को बड़ी इसमें प्रसन्नता हुई है और दूसरे समाज के भी जो लोग हैं उनको भी खुशी होना चाहिए क्यों उनका भी भव्य, उनका जो आराधना स्थल है वो भी भव्य बने और वो भी अपने भगवान अपने उनकी आराधना करें। वैसे हमारा वृंदावन हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है।